अरे भाई बेला, वो तुमने अपनी सहेली को बताया नहीं कि तुम्हारे मामू जो है वो अमेरिका और कनाडा में भी रहते। हाँ, बड़े बड़े मिनिस्टर ने उठे। फिर भी भौजी बताना तो बनता है ना। तो मैं दस देना जी। आज तो 10 साल पहले इधर दोनों ही मामू पूरे खानदान नु मामू बना के निकल गए। भौजी कोई बात है करने वाली? हाँ, ए गल मनु नहीं अपने इस खोचल खालू नु दस। एक मुरगन की जाए मना है जी आपको, खिचड़ी खाएं आराम से। ओ बालू सही, आज तेरी सहेली आई, आज भी खिचड़ी। सहेलियों खिचड़ी नहीं खिला रहे, लेकिन आपको आज भी खिचड़ी खानी है। आई थिंक बेला तुम और हिना आराम से ऊपर रूम में बैठ के रहो। आई थिंक तुझे किस बात की टेंशन है भाई, उसके बैठने से बेला आ रहा है तेरा। और मैं तो वैसे ही कह रहा था जी। आप लोग सुकून से खाना शुरू कर सकते हैं कि नहीं? नहीं जी, मुझे तो भूख ही नहीं लगी। आप लोग खाएं खाना, मैं वो जरा वो सज्जो को फोन करके पूछूं, लगता है मर गई है, 2 दिन से फोन ही नहीं आया उसका। हाँ, वो कल से विक्की का फोन भी बंद जा रहा है। ओए, विक्की का नंबर क्यों बंद है? तुम्हें अभी बताना जरूरी था। कौन लोग हो आप? मैं 2 दिन तो यही ही सोच रहे हैं, मेरे लड्डू का फोन नहीं आया। बाबू जी आप प्लीज खाना खाइए, आपको दवाई भी तो खानी है ना। ये लड्डू कौन है? लड्डू इनका ग्रैंड सन है कनाडा में, इनकी एक पोती है बर्फी अमेरिका में, है जी। और ये है बालूशाही, ये है पेठा, ये है इनकी बेटी और मेरी मनकूहा चमचम। तो हमारे मुख्तलिफ जो रिश्तेदार हैं ना, वो मुख्तलिफ मुल्कों में फैले हुए, और वो चाहते हैं कि हम भी अब्रॉड शिफ्ट हो जाएं। जी साढ़े खानदान एक वड्डा पीपा खाली भी है, जड़ा वजदा ही रहता है, वजदा ही रहता है, वजदा ही रहता है।